धनबाद जिले में 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो चुका है। मतदान के बाद सभी 6 विधानसभा के इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन ईवीएम को कृषि बाजार समिति बरवड्डा में बने स्ट्रांग रूमों में पहुंचा दिया गया है, जहां पर ईवीएम को सुरक्षित रखने के लिए 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिसमें स्थानीय पुलिस के जवान, सीआईएसएफ और केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है। साथ ही हर स्ट्रांग रूम पर सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है। वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। इधर विभिन्न राजनीतिक पार्टियां भी बाहर से स्ट्रांग रूम पर नजर रखेंगी। राजनीतिक दलों के द्वारा स्ट्रांग रूम के बाहर टेंट लगाने का काम अंतिम चरण में है। वहीं राजनीतिक दलों के नेता कार्यकर्ता 24 घंटे बैठकर स्ट्रांग रूम के बाहर सिंह मैंशन। समर्थक आनंद ओझा ने बताया स्ट्रांग रूम की लगातार निगरानी रखी जा रही है। जेएमएम नेता मथुरा महतो ने बताया चुनाव महापर्व की तरह है, 23 नवंबर को चुनाव परिणाम सबके सामने होगा, कार्यकर्ता भी काफी उत्साहित है। 23 को क्या होने वाला आप झारखंड में? 23 तारीख को पूरे झारखंड में एनडीए की सरकार बनने जा रही है और पूरे झारखंड में कमल फूल खिलने वाला है। झारखंड में जनता ने एक मत होकर भाजपा की सरकार और एनडीए गठबंधन को अपना समर्थन दिया है और 23 को इसका परिणाम आपको देखने को मिल जाएगा। छरिया में बड़ा कॉन्टेस्ट दिखा। छरिया में जनता ने अपना पूर्ण समर्थन श्रीमती रागिनी सिंह को दे दिया है और ये जनता की जीत है। छरिया में परिवर्तन हो चुका है और इसका रिजल्ट आपको 23 तारीख को देखने को मिलेगा। एक बड़ा सा सुंदर कमल फूल खिलने जा रहा है और कांग्रेस को जनता ने नकार कर, लथाड़ कर यहाँ से बाहर फेंकने का निर्णय ले लिया था, जो 23 तारीख को परिणाम के रूप में आपको देखने को मिलेगा। झारखंड में फिर किसकी सरकार? इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। कुंडली में क्या होने वाला है? कुंडली में भी जनता का अपार समर्थन मिला है, जिससे लगता है कि पूरा जनता मुझे चुनेगी ऐसा। भाजपा गठबंधन बोल रहे कि इस बार परिवर्तन होगा, हेमंत जा रहे हैं। देखिए, उनके कहने से तो नहीं होगा और कुछ भी बोल सकता है, लेकिन जनता ने जिस रूप से आप देखते होंगे आंकड़ा कि पुरुष से ज्यादा महिला ने वोट दिया और महिला का रुझान हेमंत सोरेन सरकार के साथ रहा, इंडिया गठबंधन के साथ रहा और ग्रामीण क्षेत्र में मत का प्रतिशत काफी बढ़ा, शहरी क्षेत्र में कम हुआ, इससे आंकड़ा आप लगा सकते हैं कि किसका सरकार। अगर कहा जाए तो इस बार जेएमएम को नया स्टार प्रचारक कल्पना से उसका कितना प्रभाव देखिए, उनका प्रभाव जनता में सबसे अधिक है। हम तो समझते हैं मोदी जी को भी फेल किए हुए हैं,